अगर आप Redmi 9 Prime के यूज़र्स हो तो दोस्तों आपके लिए फाइनली न्यू अपडेट रोल आउट कर दिया गया है Redmi 9 Prime के अंदर, जिसका वर्जन आप देख सकते हैं 12.5.4.0 का अपडेट है और 300 MB का साइज है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको जो है कौन कौन सी चीज़ें चेंजेस मिलती है, कौन कौन से आपको न्यू फीचर्स मिलते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों साथ ही साथ आप सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको MIUI से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलती रहेगी और अपडेट किस में पहले आया वो भी आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों Redmi 9 Prime अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए न्यू अपडेट फाइनली रोल आउट कर दिया गया है, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या चीज़ न्यू मिलती है, इसके अंदर आपको सिक्योरिटी पैच न्यू देखने को मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि जो अभी अपडेट आ रहे हैं तो उसके अंदर आपको न्यू सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। और गैलरी का ऐप अपडेट कर दिया गया है, ठीक है, छोटे मोटे चेंजेस हो चुके हैं, पर बैटरी प्रॉब्लम के अंदर अभी भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो इतनी नहीं है, पर दोस्तों अभी कोई इम्प्रूवमेंट ज़्यादा इस अपडेट के अंदर नहीं हुई है। और इसके बाद इस अपडेट के बाद में आपको MIUI 13 का भी अपडेट मिल जाएगा, तो वो भी कब मिलेगा तो उसकी जानकारी आपको और वीडियो में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा और भी कोई न्यूज़ निकल कर आती है Redmi 9 Prime से रिलेटेड, MIUI 13 से रिलेटेड, तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ ये जो है छोटी सी वीडियो थी, आपको मैंने बताया न्यू अपडेट रोल आउट कर दिया गया, अगर आपको नहीं मिला है तो आपको आने वाले 5 से 6 दिन के अंदर मिल जाएगा, अगर मिल चुका है तो आप अपडेट कर लीजिए। अगर अपडेट आने के बाद चला गया यानी कि अपडेट आया था फिर गायब हो चुका है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको 1 वीक के अंदर अपडेट देखने को मिल जाएगा अगर नहीं मिला है तो, ठीक है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा।